This film seeks to highlight the dangers faced by minor school-going children, especially girls, ironically from those who are supposed to nurture, educate and protect them. इस फिल्म के जरिए नाबालिग लड़कियों के साथ स्कूल में होने वाले अन्याय दर्शाने की कोशिश की गई है। कई बार इस अन्याय की वजह वही होते हैं जिन्हें इन बच्चों की पढ़ाई और पालन पोषण करने का कर्तव्य दिया जाता है। इधर क्या देख रहा है? नोटबुक निकाल। बेटा कमल, तुम्हारा होमवर्क कौन करता है? मैं। खाना कौन खिलाता है? मां। और धोता कौन है? शक्तिमान। मिंटू, फैसला तुम्हारे ऊपर है। कमल का होमवर्क कौन करेगा और धोएगा कौन? ये लो, कर लो फैसला। सुनिए, आपको बोलना कल मैं सवेरे 8:30 बजे आऊंगा। ठीक,
आ जाओ। संध्या जी सर, सुनीता के लिए वोटर आईडी बनवानी है जी सर। उसके लिए एनओसी चाहिए, तो अपने पापा से बात कर लोगी जी सर? पापा 9:30 बजे तक घर पे ही रहते हैं, तो उससे पहले आप कभी भी आ जाइए। आज दिन कौन सा है सर? बुधवार। अच्छा बुधवार। The gap, just looking for timing. Just get two. Just beats the one man. The other has to give up. Not got enough on it to get to the boundary, but. मैं गाड़ी भेजूंगा। देखा, मुझे तो पहले ही शक हो गया था इन दोनों पर। जरूर कुछ सोचनी चाहिए होगी, तभी तो दोनों पुलिस वैन में हैं। लड़की का पुलिस में ये सब क्या हो रहा है? तू मिंटू यहाँ क्या कर रहे हो? आपसे कुछ बात करनी है। खुद से क्या बात करनी है? कमल अपनी बुक को भूल गया। जाओ ले लो। जाओ, मुझे थोड़ा पानी मिलेगा। झूठी कहानी परवाह नहीं है, मैं तो सभी तेरी दोस्ती के लिए कर रहा हूँ। वैसे भी अगर अभी गएगा तो रोते वापस मेरे पास आएगा, और अगर मेरे काम आएगा तो संदेह के साथ जाएगा। ये क्या कर रहा है तू? मैं मनमुद्दी में तेरे लिए तो कर रहा हूँ। देख, जैसे वो ट्यूशन से बाहर आएगी तो उसका चप्पल ढूंढने लगना, और साथ साथ दिल की बात कर देना। ए माइनस बी होल स्क्वायर और ए प्लस बी होल स्क्वायर सॉल्व करो। हाँ, सुबह आए थे तुम लोग मिंटू और कमल? जी हाँ, स्क्रीन नोटबुक लेने आए थे। हाथ टूटा, दिमाग नहीं टूटा। दिमाग तो अभी भी चल रहा है ना? नोटबुक निकालो। हाँ सर, ए माइनस बी स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। वेरी गुड। ए टू प्लस बी टू प्लस टू। वेरी गुड, वेरी गुड। ये क्या है, जीरो बटा सन्नाटा? शक्तिमान बैठो। ये क्या है, क्या काम किया है? कुछ भी नहीं। इस बार अगर इम्तिहान में फेल हो गए, परीक्षा में फेल हो गए, तो मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगी। चलो सवाल का जवाब दो। 8 प्लस ब्रैकेट 18 बटा 6 माइनस 2, बताओ। शक्तिमान बैठो, तू बता बेटा। शक्तिमान नो नो। हाँ ये देखो,
सीखो इससे, जिंदगी भर एक जैसे ही कपड़े पहनता आया, सड़ गए, बदबू मार रही है, हैं? लेकिन देखो दिमाग देखो आज भी फ्रेश है। कान पकड़ो, चलो सर जाओ। मैं क्या, वेरी गुड शक्तिमान। आपने कोड़ा बोला जमीन। हाँ जमीन, जमीन हाँ, जिम्मेवारी, जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी जमींदारी नहीं। अबे इस बच्चे को तो पता भी नहीं है कि ये घर पर सोच पा रही है, वो चालू है। देख संदेह कर, देख रहा थी, देख देख देख, जीप जीप बाहर निकाला किसने, छोड़ना कैसे बात कर रहा है। देखो संदेह, अबे देख ना, देखो देख संदेह कैसा सर है। देख मेरी चप्पल देखी क्या, पता नहीं इधर ही कहीं शाम से चप्पल नहीं मिल रही। अरे धूप में निकलाना करो, रूप की रानी, अरे गोरा रंग का लाना पड़ता है। बेटा शक्तिमान इधर आओ, बेटा मैं डांस टीचर हूँ। हैं हाँ सर, चलो चप्पल ढूंढवाओ। अरे बाहर हो क्या रहा है, कितनी आवाज आ रही है। नहीं कहीं देखो होगी सर, ये हाँ नहीं मेरे लड़के को तो जाते हुए देखा था। अरे कौन उधर एक लड़का भागा था ना, उधर उधर ले लो। ये क्या कर रहे हो, पहन लो। तो तुम क्या पहनोगे? मैं मिंटू की पहनूंगा। अरे रुको मत, चलते रहो। मिंटू क्या पहनेगा, वो आगे निकल लिया होगा। मैं जब पहन के घूमेगी। ये बहुत बढ़िया है, सब चले गए हैं, पता नहीं किसने क्या होगा। ये कोहेगा बेवकूफ गधा, इसको और कुछ काम नहीं आएगा। संध्या ये लो। जी सर। ये लो, मिल गए क्या? तो ये पहन लो, ये पहन लो, आ जाओ। अब पुलिस कॉलोनी में रहती हूँ ना। हाँ तुम्हें कैसे पता? लो ये पहन लो, पहन लो। सर मिल गई सर। अरे वो लोकल कंपनी होगी सर, मिल गई। अच्छा काम सर, थैंक यू। आप कहीं जा रहे हो? हाँ। कब तक आओगे? कल सुबह कोर्ट में पेशी है, शाम को निकलूंगा तो रात तक पहुंच जाऊंगा। और इन केस अगर मैं नहीं पहुंच पाया तो मैं तुम्हें फोन करता हूँ, ठीक है? मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। मैं बाहर से दरवाजा बंद कर दूंगा, चिंता मत करना, लाइट लगाऊंगा।
कर दिया। दिखाओ कितना गहरा है। ला मुझे तो। जल रहा है। कोई नहीं ठीक हो जाएगा। चोट कैसे लगी? जनरेटर ऑन करने बाहर गई थी तो गिर गई। घर पे कोई था नहीं, डर लग रहा था, किसी को जानते भी नहीं हो तो सोचा यहीं पे आ जाऊं। पर पापा ने फोन किया और घर पे किसी ने फोन नहीं उठाया तो? पापा ने बोला कि यहीं पर आ जाऊं। पापा ने बोला? हाँ, चल रहा है, अभी ठीक हो जाएगा। हाँ चलो उठो, सो जाते। सॉरी आपको तकलीफ हुई। तकलीफ नहीं, नहीं कुछ नहीं। पानी रखा है, पी लेना। ठीक है, उठी भी हो? तो चादर डाल लो, आराम से सो जाओ। ठंड लगेगी। साथ बीमार हो गए क्या? चल जाकर देखते हैं। आ ग्रामा!
अबे कमल, यहाँ तक लेकर तो आ गया, मगर इसका घर कौन सा है? जल्दी। तेरे बात में कितनी सच्चाई है। बहुत ज्यादा। मैं स्कूल जा रहा हूँ, ट्यूशन पे मिलते हैं। कहा था जिसमें लड़का लड़की एक दूसरे को बिना कपड़े में देख लिए तो उसकी शादी हो जाती है। तो तूने उसे बिना कपड़े में देख लिया? अबे अब तो तेरी शादी पक्की, अब तो तेरी बीवी है। पर तूने तो कहा था कि जब तो एक दूसरे को देख नहीं लेते, मगर तुमने देखा तो होगा ना। अबे वो तो मैंने भी देखा है, तेरी माँ ने भी देखा है। वो देखना देखना नहीं होता, देखना मतलब पूरा देखना। अब तो एक ही रास्ता है तेरे प्यार पाने का, तुझे उसके सामने बिना कपड़ों के जाना होगा। कुछ करना मिंटू, अब तो मुझे कुछ करना होगा। शेक्सपियर ने कहा है, द गॉड ऑफ लव इज ब्लाइंड, ही सीज फ्रॉम द हार्ट नॉट माइंड। सामू तुझे मारेगा। इन द लाइफ You should let money run after you, not you after me. क्या बात? पूरे मोहल्ले का साफ करके ले आया क्या? ट्यूशन फीस है। साइड में जा, चल। लाभ है शक्तिमान, तू पकड़ अपने कान। क्या लगा रखा है? चल चाय बना के ला। चल हटाओ, किताब निकालो, चलो। अरे यार शाम का मतलब क्या? अबे संध्या। ए चुप, बहुत जबान चलती है तेरी। कल मिले फिर। निकालो निकालो। अबे कल का प्लान तो कल्लू ने बिगाड़ दिया, मगर इस बार नहीं। कमल तो सुन रहा है ना? कहाँ गया? और देव कैसे हैं? ठीक चल रहा है। किसी दिन बुलाओ खाने पे, बुलाओ। हैं? पति देव कुछ तो नहीं बोले? खाना वाना खा लिया था? पेट भर के। एक मिनट लग जाएगा पागल।
ट्यूशन में आतू फिर सो गिन सो जल्दी चल जल्दी चल अरे अर्चना मूड ठीक नहीं है क्या आपने मुझसे झूठ बोला आपने कहा कि आपका और मिस का कोई संबंध नहीं है ये संबंध मन की बातों में तुम क्यों पढ़ रही हो ये बड़ी बातें हैं तुम्हारे समझ नहीं आएंगी छोटों के साथ ही रहूँ बड़ों की बकवास सुनने से तो बेहतर ही है ना आप तो वैसे झूठ बोलते हो पापा के पास तो टाइम है नहीं और मम्मी तो वैसे ही छोड़ चुकी तुम्हारे मम्मी पापा की क्या टेंशन रही हो तुम्हें बता नहीं सकता वैसे तुम तो इतनी प्यारी हो पता नहीं क्यों छोड़ के चली गई मम्मी मैं तो मम्मी हूँ नहीं तो पापा हो ना पापा भी तो कौन हो क्या हुआ खाना अच्छा है मेरा नहीं अच्छा आपकी ट्रिप कैसी थी कोर्ट कचहरी का चक्कर है 24 को फिर जाना पड़ेगा क्या हुआ बस पेपर के मैंने अपने ऑफिस में बात कर ली है अगले साल हम शहर निकल जाएंगे अगर तुम 10वीं वहाँ से करोगी तो कॉलेज में एडमिशन लेना आसान होगा कपड़े डर लगता है भाई आगे तो वहां जा मेरा कमरा तुम ऐसे कपड़े पहनते हो पापा ला तुम तो बहुत गोरी हो ये तुम्हारे वाले कपड़े लूना पानी लाओ ना डालो अरे पूरा धो लेता हूँ ना बाल्टी पूरी बाल्टी क्या था ये फायरिंग रेंज है 200 तक बंदूक
अच्छा अच्छा मुझे लगा कि पता नहीं इसमें से कुछ। ये तो ठीक है बिल्कुल, बस थोड़ी सी हवा हवा नहीं है इसमें, कचरा टक गया था। चली नहीं थी ना ये, अब चलेगी? हाँ आराम से चलेगी। सही है तो ये क्या कर रही हो, जेल भिजवाओगी क्या? हैं? आपकी अब चोरी के इल्जाम में नहीं होगी। आपने ठीक किया, आप चला। पता है पापा क्या कह रहे थे? क्या? पापा कह रहे थे कि दसवीं के लिए शहर जाएंगे। ये तो सही है, पिताजी अपनी बच्ची के बारे में सोच रहे हैं, इसमें बुराई क्या है? बस पिताजी की पड़ी आपको और मेरी, आपको पता है इसका मतलब क्या है? क्या? मैं शहर चली जाऊंगी, शहर। हाँ तो मैं लूना लेके आ जाऊंगा शहर। पर आपको तो हमेशा मजाक ही सोचता है। यार तुम मुझे सर क्यों बोलती हो? आपकी बीवी के सामने आपको शाम बोलूं? हाँ बोल दो। हाँ नहीं नहीं हाँ ठीक है, चलो अभी जाके उनको बोल के आते हैं। शाम शाम नहीं, चलो चलो। नहीं नहीं नहीं, अब तो हाँ बोल दिया ना आपने। चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं। मुझे ना तुम्हारी कोई भी स्टूडेंट पसंद नहीं है, और सबसे ज्यादा वो संध्या। सादे से पहले तो तुम भी हमारी स्टूडेंट थी, तभी तो मुझे वो पसंद नहीं है। अरे कुछ नहीं, बेचारी बाहर से आई है, चुप चुप सी वैसे रहती है, घर में अकेली है। फादर कभी कभी आते हैं, बिन माँ की बच्ची है। मेरी माँ का नाम क्या है? तुम्हारी माँ का नाम? हाँ। तुम्हारी माँ का नाम मिसेस गढ़वाल। पूरा नाम क्या है? पूरा नाम बड़ों के नाम नहीं लेते। अरे लाइट चली गई, एक मिनट। कहाँ जा रहे हो? वापस आओ, भागने की रहती। वो मुझे बहुत पसंद करती है। वो ना अपनी उम्र से कुछ ज्यादा ही बड़ी लगती है। मैं बोल रही थी शाम सर आपकी शक्ल मुझे बहुत पसंद है। सच्ची? उसने नहीं बोला कि आपका और उसका रंग कितना अलग अलग है। बोले रंग तो मुझे बहुत पसंद है, रंग की भी बहुत तारीफ कर रहे थे। बोले रंग पे अगर थोड़ी सी भरवा भरा सी मुछे हो जाए ना तो मैं तो पागल हो जाऊंगी उस दिन। तो उगा लो मुझे और कर लो शादी, फिर मुझे देखना भी मत। मजाक कर रहा था मैं, खाली दिमाग ना शैतान का होता। तो इतनी जोर से क्यों मार? तेरे के कानों को और कौन पसंद करेगा? नहीं अभी नहीं मारती। नीचे एनीमिया टेस्ट कराएं, कल तक शाम तक रिपोर्ट आ जाएंगे। नहीं भर्ती हुए क्या? हाँ सर, तो शाम तक रिपोर्ट आ जाएंगे सर। इफ यू डोंट माइंड यू कैन बी कॉल सर। मैं रुजो, मैंने अभी तुम्हारे बारे में इससे बात नहीं की है, मुझे पहले बात करनी था। यार तेरी
वो से प्यार करता तो दवा खाने नहीं आता। और होगी वेला वो दे देगा हाथ। किसका संदेह है और किसका? तो मुझे लगा नहीं दूंगा। बेटा तो ये बच्चा है, तू नहीं समझेगा। ये बड़ों के मतलब की बात है जो रात को रूम के अंदर होती है। यार मुझ में क्या कमी है जो मुझसे नहीं उससे प्यार करती है? तुम मत नहीं है तेरे में, समझा बेटा? अस्पताल नहीं आए तो नाराज है? सुनीता मिस होंगे ना, आप कैसे आते? हाँ मुझे पता है तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो पाई ना कुछ दिनों से, तो ये लो। ये क्या है? एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन पेपर है। मुझे नहीं चाहिए। तो अंदर आने दो। नहीं सर, सर अभी पापा आने वाले। नहीं 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 सर, पापा भी आने वाले, प्लीज जाइए यहाँ से। एक मिनट की तो बात है, सुनो तो सही। नहीं नाराज हो क्या? अब प्लीज जाइए यहाँ से। उसके पापा तो नहीं होंगे ना घर पे? वो तो उनकी जीप नहीं होती, उल्टा घर में कोई नहीं। मुझे ऐसा लगता है यार। क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ पे? क्या कर रहे हो यहाँ पे? मुझे बात करनी है। क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आपका जॉब है तो उस दिन हरा कपड़ा पहन के 4 बजे मिलने का जाना। मैं तो 4 बजे मिलने को कहा था, फिर दो उठ। तेरा कुछ नहीं हो सकता यार कमल। अच्छा ये बता तूने कपड़े कहाँ सुनाए? अबे बता ना कहाँ सुनाए? अबे बता ना कहाँ सुनाए? आपको छोड़ना है, ये देकर गई है। कौन है वो? दोस्त है मेरे। आज 24 तारीख है ना, आपको कोर्ट जाना होगा आपकी सुनवाई के लिए। नीलू अच्छी है, ख्याल रखेगी तुम्हारा। देखो मैं तुम्हें बताना चाहता था लेकिन सही वक्त नहीं मिला। हम कई सालों से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। स्कूल जा रहे? तुम्हारी सही उम्र का इंतजार कर रहा है संध्या। मैं लूना लेके जा रही हूँ। संध्या, संध्या, कॉपी दिखा। स्कूल के बाद इलेक्ट्रिक मिल्स के पास मिलते हैं। hmm.
आपको वो होमवर्क वाली नोटबुक देने आई हूँ। रात को ही पढ़ाई याद आती है, कल सवेरे आना। तुमको क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, वो थोड़ा सा पता नहीं किसके घर में भी आ जाते हैं आजकल, कोई कुछ है ही नहीं, मतलब पता नहीं माँ बाप क्या सिखाते हैं बच्चों को। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, संध्या आई थी, भगा दिया मैंने उसको। देख लेना ये लड़की ना मुझसे पिट जाएगी एक दिन। पता नहीं पागल हो गई क्या लड़की। अच्छा क्या तुमने? भाई पैर हटाओ थोड़ा सा। तो मेरे पे गुस्सा क्यों निकाल लियो? अरे तुम पर नहीं, मैं उस पर गुस्सा उतार रही हूँ। अच्छा तकिया तो दे दो। पूरा खून साफ हो गया तुम्हारा। आराम से ही रह रही थी। आज कहाँ मिले? सेंट लगा के आना। तिवारी जी नमस्कार। नमस्कार साहब। नमस्कार। प्लान कर लो। दम लगाओ, जोर से करो, जोर से। जब पापा लगाते हैं ना तो इतनी जोर से करते हैं कि जो कमजोर बाल होते हैं वो बाहर आ जाए। पापा थोड़ा ही अच्छे से नहीं कर रहे हो। मालिश करने आया था क्या? मैं फिर क्या कर रहा है? स्वीटी, खाना कैसा लगा? लग रहा खाना खाते खाते थक गई थी। ऐसा नहीं लग रहा, तुम शर्मा रही हो, अच्छे से नहीं आ रही। नहीं नहीं नहीं, बहुत ही अच्छा, वाकई अच्छा खाना बनाया। तो संध्या कैसी लगी? अरे कुछ बोलती नहीं है। बोलेगी, बहुत बोलेगी अभी शायद। बड़ी प्यारी है। तुम्हारी कैसी है? दादा अच्छे से बनते क्या ना? चलो ब्याह से आ जाता। अबे दोनों हाथ उठा ना, अबे एक हाथ ऊपर कर, पूरा ऊपर कर। हाँ ये हो गया खुलवा। अब टांगे खोल। अबे थोड़ी इतनी खोलेगा टांगे? अबे तेरे को संध्या शादी करनी है नहीं? हाथ ऊपर और टांगे खोल। हाँ बिंदास। अब हंस, बोल। तेरी शादी तो पक्की है, लेकिन ये फोटो धुलवाएगा कहाँ? शहर में और कहाँ। जब संध्या भी आप फोटो देख लेगी ना तो मैं हम शादियों को रोक नहीं सकता है। तू चलेगा शहर? नहीं यार, अम्मी मारेगी। आपसे जरूरी बात करनी। बात में भी तो कर सकती थी। पानी की टंकी के पास आई। हाँ 10 मिनट बाद। अभी
महीना नहीं हुआ है मुझे। क्या महीना नहीं हुआ है, यही कहना चाहती थी। शहर जाना पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगी क्या? इधर आ। जी सर। माधुरी दीक्षित बनने आई हो? अनुशासन नहीं है? हम्म हम्म अनुशासन नहीं है? इधर आ। श्याम सर प्लीज, श्याम सर चलो। इधर इधर। माधुरी दीक्षित बनेगी? क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन आपने इन दोनों को इतना नहीं मानना चाहिए था। बड़ी मुश्किल से माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। अगर इन दोनों ने अपने घर पे बता दिया तो मुझे आपको रेस्टिगेट करना पड़ेगा। एक काम कीजिए, आप कुछ दिनों के लिए स्कूल मत आइए। सर थैंक यू सर, बेटा साफ कर ले। हाँ जाओ। हाँ वहाँ बैठ। नाम क्या है? संध्या शर्मा। उम्र? 15 दिन 18 साल। ओके। क्या प्रॉब्लम है? फीमेल वाली प्रॉब्लम है। महीना नहीं हुआ, लास्ट कब हुआ था? पिछले महीने 18 20। नीलू जी फॉर्म देना इनको। हाँ जी। देखिए दो तरीके होते हैं यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के, जो भी ठीक हो वो कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए और वापस मेरे पास लाइए, तब तक मैं इनका चेकअप करती हूँ। आप बाहर बैठ जाइए। हाँ जो भी ठीक हो वो कर लीजिए। ये मेरी साली है, इसके जो हस्बैंड है वहाँ रहते हैं दिल्ली में, जॉब करते हैं, तो वो नहीं चाहती कि बच्चा बच्चा हो, तो जो भी ठीक सा लगे आप कर लीजिए। ठीक है, बाहर बैठिए। कौन लगते हैं? जीजा जी।
तो तुम्हारी दीदी क्यों नहीं आई साथ में? ऐसे वक्त पे उनको आना चाहिए ना। देखो सच बताओ, तुम पर कोई दबाव तो नहीं है? आईडी कार्ड दिखाना अपना। जी मैडम, ये मेरे गांव से है, एक साल पहले ही शादी हुई। अच्छा, जानते हो आप? जी जी। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ डॉक्टर साहब। अरे देखिए, मुझे लगता है उनका सिर्फ पीरियड्स डिले हुआ है, आप लंच के बाद एक बार रिपोर्ट कंफर्म कर लीजिए। जब भी जरूरत हो तो मुझसे बात कर सकती हूँ, ठीक है? सुनीता को क्या बोलोगे? कहाँ गए थे? बोलते हैं कि शहर गए थे साड़ी लेने। साड़ी कहाँ है? सुनीता कहाँ है? तो घर पे साड़ी का। अरे क्या, अब और डर गया था ना? कौन? मैं? मैं क्यों डरता? डरना तो मुझे चाहिए था। देखो नर्स कौन थी? कौन थी? नीनू आंटी। नीनू आंटी वाला बता वही थी। नहीं वो तुम्हारे पापा पापा को नहीं बोलेगी? बोल देगी वो? कुछ नहीं बोलेंगे, बोलना होता तो अभी तक बोल देती। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। और कह रहे थे डर नहीं लग रहा? अरे वो कभी काओ काओ क्या हो गया? अरे नहीं बोलेंगे। तुम्हें नहीं लगता डर? प्यार क्या तो डरना है। चली जाओगी? हाँ। कुछ बात करनी थी। एक आज के बाद हम लोग नहीं मिलेंगे, मतलब एक टीचर और स्टूडेंट का नाता होता है इतना रखेंगे, उससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना। और बात दूसरी बात यह है कि माफी चाहता हूँ, शादीशुदा आदमी हूँ, जिम्मेदार हूँ, हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ, मतलब आप भी किसी को नहीं बोलोगे, मैं भी किसी नहीं। बाकी सौ बात की बात यह है कि भाई आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, बीज गणित कमज़ोर है आपका, और मुझे भूल जाओ। ठीक। सुनो सर, हाथ छोड़े हुए दिख रहा है। जाना, वरना वो चली जाएगी। तो क्या हुआ डॉक्टर संजय का?
नहीं कहाँ आए अभी, लगता है दो तीन दिन और लग जाएंगे, अपॉइंटमेंट वगैरह सब कुछ कैंसिल हो रहा है उनका। देखते हैं अभी, बहुत प्रॉब्लम हो रही है उन्हें। ये है वो हीरो जो उस दिन संजय को हॉस्पिटल लेके गया था। हाँ हाँ मैं थी तो वहाँ। तुम्हारा दोस्त है? घर पे। घर पे? और तुम किसके साथ आए हो? अकेले। अकेले? हमें खाओगे? थोड़ा सा। थोड़ा खा लो बेटा। मैंने अपने ट्रांसफर की एप्लीकेशन डाल दी है, शायद 15 दिन में जवाब आ जाएगा। अच्छा। तुम्हारा एग्जाम कब खत्म हो गए? अभी तो अप्रैल चल रहा है ना, मेरे को जाना चाहिए ना। खाओ बेटा पनीर खाते रोटी डालो। क्या पी हुए? कोक? कोक लेते हैं की टंकी के पास पानी पी रही थी। शाम से भी वहीं पे पानी पी रहे थे और फिर वो दो लड़कियां आईं और पानी से खेलने लगी तो थोड़ा पानी सर के ऊपर गिर गया। फिर सर ने उनको बुलाया तो वो भाग गई। फिर क्या हुआ? वो घबरा के भागी थी तो वहां पे जो पत्थर थे वो गिर के पत्थर से चोट लग गई। जब तक सर आया तब तो उनके खून निकल रहा था। मैं जाऊं सर? तो शाम सर से जरूरी बात करनी थी। कल सवेरे आना, अभी जाओ यहाँ से। पर सुनीता मिस, उठो शर्ट दो, गंदी हो रही है। काम कर अपना, चल पैर उठाओ। फिर ज्यादा जबरदस्ती मत कर। सुनो मैं सोच रही थी कि डॉक्टर को दिखा दूँ। दिखा दे, शादी को इतना समय हो गया, गाँव में बात चल रही है। अच्छा हो जाता तो हमारा परिवार हो जाता। आप में तो कोई खामी होगी नहीं, मुझ में ही होगी। हाँ तो इतनी तनख्वाह नहीं मिलती मुझे कि मैं तीन लोगों को पाल सकूं। ये इसको मैथ्स में सबसे ज्यादा नंबर मिलने के इनाम है। देखो माफ कर दो मुझे, उस लड़की ने मुझे फंसाया है। मैंने इसलिए नहीं बताया कि तू छोड़ के चली जाएगी मुझे, दरअसल शक में तू मुझे छोड़ के जा रही है। हैं? मैं बताने वाला था सच्ची तुझे, इसलिए नहीं बताया था कि तू कहीं ओ तू जा 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 इधर। अबे यार मैं तुझे इंतजार कर रही हूं। मैं क्या कर रही है ये सब? अच्छा भरना है, ये ले जितने कपड़े ले। ठीक है जा, कहाँ रही है तू?
जा कहाँ रही है, क्यों जा रही है, आखिर हो क्या, जरा सी बात के चक्कर में जा रही है, ये क्या मतलब हुआ हैं? सारी शादी करके लेके आया हूँ, भगा के नहीं लाया हूँ, भूल गई सारी बात हैं? नाश्ता कराता था तुझे उधार लेके जब पैसा नहीं होता था, ऐसे कैसे छोड़ के चली जाएगी तू? जाना चाहती पैंट पहन कर चलता हूँ तेरे साथ, जहाँ जाएगी वहाँ जाऊँगा, नरक में जाएगी नरक में जाऊँगा, स्वर्ग में जाएगी स्वर्ग में जाऊँगा, अच्छा सुन रोको ना, जहाँ जाएगी मैं जाऊँगा तेरे साथ, हैं इतना प्यार करता था तुझे, भूल गई सारी बात हैं? नाश्ता करवाता था उधार ले लेके तेरे से, एक बात पैंट पहन ले, जहाँ जाएगी मैं जाऊँगा तेरे से, जाना है तुझे जाना है, जा चल जा, मेरी लाश पे सुधर के जा, जा चली जा, शर्म नहीं आए है, शर्म नहीं आए तुझे? देख लोग सब लोग क्या देख रहे होंगे, सब लोग देख रहे होंगे हैं, शाम टेकचंद नाम है मेरा, पूरे गांव में इज्जत है, टीचर हूँ, हमारी फैमिली इज्जतदार फैमिली है, समझा करना, लोग पता नहीं कौन कौन लोग देख रहे होंगे, आवाजें सुन रहे होंगे, थोड़ी सी तो शर्म कर हैं, ऐसा क्या गलती करते, कोई पहाड़ तोड़े, अच्छा सुन पैंट पहन, एक मिनट रुक, एक बात सुन, अगर आपके चले गए ना तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी, घर में नहीं घुसने दूंगा, ये क्या मतलब बना रखा तूने हैं, मतलब थोड़े ही है। नमस्ते, कैसे भैया सब ठीक है? वो जॉन्डिस हो गया इनकी अम्मा को, इसके कारण क्या बात है, गाँव में जगह हमारी समझ में नहीं आता, क्या क्या ड्रामा कर रखा है, ट्यूशन के लिए जा रही,
कहा था ना दूर रही हो मेरे से। क्या हरकत करे जब भी पास चलाता हूं तेरे। पुलिस स्टेशन में झूठ बोलने की जरूरत क्या थी तुझे है? क्या जरूरत थी? सच नहीं बोल सकती थी क्या तू? बता, सच नहीं बोल सकती थी? जो मुझे ठीक लगा मैंने, मुझे ठीक लगा, जो तुझे ठीक लगा वो करेगी तू है? डरता नहीं किसी से मैं, कोई भी हो चाहे, कम से कम सच बोल दी थी, नफरत करने लगता तेरे से मैं, समझी? जो मुझे लगा वो करेगी तू? से बारी अभी जाटे से बारी ठीक है। सॉरी 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 है। एक बात कहूं, तुम्हारे और तुम्हारे पापा की दोनों की चॉइस बहुत बुरी है। बड़े अकड़ में गई थी, आ गई हराम की जनी।
पूरे घर को फैला के रखा हुआ है। पेड़ पे नहीं लगते पैसे, क्या कर रखा है सब साथ तूने, हैं? पूरा जगह फैला रखा, आग लगा दे घर में, हैं? क्या है ये सब, क्या चाहती, क्या है तू? बदबू कैसी आ रही है ये टट्टी? खा लो। अब टट्टी भी करना शुरू कर दिया, बीच बाजार में जाके हक दे, हैं? इज्जत बढ़ जाएगी मेरी बहुत। खा लो। बच्ची है तू, तू खा, तेरी आदत खत्म हो जाएगी हकने की। ये फोटो लो और भागो यहाँ से। चलो भागो। ये तो वहां कब खींचा था ये? क्या हुआ ये टुकी? अरे कुछ नहीं, वो लूना से गिर गई थी। चलो बेटा ध्यान से जाना। तो सवाल ये था कि समानांतर एबीसीडी चतुर्भुज बनाइए जिसका ए बी। टेप चल गई है, कैसे लगी? अरे छोड़ो, साइकिल से गिर गया था। ए बी 6 सेंटीमीटर हो, बी सी 4 सेंटीमीटर और ए बी सी डी कितना होगा? अरे ऊपर रखो इसको। तो सवाल पर जवाब ही नहीं देगा सवाल किसी बच्चे से। Tapping at the little switch in his hand, trying to find. पहले ये पिलो, फिर पढ़ना। ठंडी हो जाएगी। How so often his eyes would shut in. क्या है? कर। और है कोई? अरे इसको ठीक से करवाओ। अरे रखो साला, काट का सामान है इसमें। मेरी माँ भी मुझे छोड़ के चली गई थी जब मैं बहुत छोटी थी। पापा को काम से फुर्सत नहीं थी और अपने अकेलेपन से जूझते जूझते मैं बड़ी हुई। फिर मेरी जिंदगी में एक लड़का आया। लग रहा था कि वो कभी छोड़ के नहीं जाएगा, मुझे संभाल के रखेगा। नहीं, वो भी छोड़ के चला गया। उसके जाने के बाद मैं डिप्रेशन में आ गई। एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ, गोलियों से नींद बहुत आती थी और जागो तो भूख बहुत लगती थी। बस यही चक्कर में मैं मोटी हो गई। शायद अच्छे से पढ़ लिख लिया होता तो मैं भी आज डॉक्टर होती। खैर चलो ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं आपको हक कर सकती।
मेरे सब की सोच में भरदंगे पे घूम रही है। तेरी क्या राय है? अब तो बता दे तेरा शक किस पे? चप्पल भी नहीं मिल रही, वो ब्लू वाली नई शर्ट भी पता नहीं कहाँ गई। तूने दबंग देखी है? Thank you.
Billy Bam, need a car. Turn to the killer thing.